मारा राम रे, ओ भी जो तारी बात रे, ओ भी जो तारी बात रे, अणी डो बर सदे मारा राम रे। कदियावेला में उड़ा क्या मारी तरी से, भी तो जावे चौमासो तू क्यों कोनी बरी से, भी तो जावे चौमासो तू क्यों कोनी बरे से, अणी डो बर सदे मारा राम रे। कहते हैं कि जल बिना सब कुछ सूना, और यह बात भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के लिए बिल्कुल सही बैठती है। लगातार पिछले 4 वर्षों से कम वर्षा होने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। तालाब, कुएं आदि सब सूख गए हैं, और जो पानी उपलब्ध है वो या तो खारा है या फिर गंदा। इस कारण इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामने पेयजल के संकट ने एक विकराल रूप ले लिया है। पानी भी नहीं और बरसात भी नहीं, और भूखा काल पड़ियो, धन माल है तो मरे है और मनकार है तो कोई योजना नहीं। पानी है ही नहीं, पानी में बरे तो पानी वेंदर पानी सांटो ही कोई नहीं मारतो, तेरे मरांगे वहां छोड़ो थे। कोई बरसात भी है तो 12 महीना पूरा हाले नहीं, 2 महीना हाले, 3 महीने हाले नहीं, तेरे ही मरो। तालाब रो पानी बिल्कुल गंदो ऐसा पीवर लायक नहीं है। हां, पानी की बहुत समस्या है, और पानी है खारो है पीवा लायक है नहीं, और पानी बार बार लाना पड़े। यहाँ पे पानी बहुत खारा है, पानी की बहुत समस्या है। मैं जीव रही है, गाय में पेशाब करे, भेड़ ही करे, तो मैं ही भी हूं, तो इतना तो साफ नहीं, वैसे कीड़े मकोड़े तो बहुत है इसमें। गंदा पानी पीता है, हमारा आदमी बीमार है। पानी जो गंदगी फैली जाए तालाब रे महीने, तो पानी गंदगी रे हिसाब कोई जानवर पशु गाय भैंस बकरियों तो इन्हों में बीमारी फैली जाए, और मनुष्य आए तो पानी पीवे जानवर तरह तो वनमी जहर फैलना शू, जो बच्चों में मलेरिया है, निकाला है, निमोनिया है, और बड़ी बड़ी बीमारियों है। खारे पानी पी पी मात्रा दुखना है। पानी री पूरी समस्या है, यानी दूर से पानी लाना पड़े, नला में भी खारो पानी आवे, तालाब में गंदा पानी है, पानी बहुत खारो है, तकलीफ लाग रही है। मीठा पानी सुविधा वाणी सही है, दूर पड़े अतरो पानी है आप ही नहीं है, तेरी समस्या है। लड़की और तो का बहुत दूर पानी ले पानी के लिए जाना पड़ता है। अशुद्ध पेयजल का संकट ऐसे तो पूरे राज्य में है, लेकिन मारवाड़ के ग्रामीण इलाके इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं। ऐसा ही एक गांव है सांवलता कला। सावता कला की ये महिलाएं किसी तीज त्योहार के गीत नहीं गा रही, बल्कि भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गीत गा रही हैं। इनकी यह आस्था है कि अगर भगवान खुश हुए तो बारिश होगी, मगर शायद इस बार भगवान की कृपा दृष्टि इस इलाके पर नहीं पड़ी। नदी नाले तालाब सब कुछ सूख रहे हैं, पानी की बूंद बूंद के लिए इंसान तरस रहा है। हमारे साथ सारे की पानी की फुल कमी है, काल है, बहुत पानी की कमी है, हम 10 दिन रो पानी है, कादो खीसरे में रोड़िया बैठा, 3 मरता मरे। यहाँ के पशुओं की स्थिति तो और भी दयनीय हो गई है, चारवाहों को अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। को डॉट कोस पानी पानी नहीं है इन जगह, बहुत दुखी हूं। पीउन रे वास्ते भी पानी नहीं है, पीउन रे पानी री इतनी समस्या है, वो भी टैंकर दूर दूर मंगावनो पड़े, वो भी खारो पानी आ, और नदी में नु खारो पानी ला, मीठो पानी मांगा और मिक्स करन पिया।
तालाब में बहुत कम पानी बचा है और वह इतना गंदा है कि पीने लायक नहीं है, और इस पानी का सेवन करने से हजारों तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मजबूरन यहाँ के लोगों को बाहर से पानी पीने के लिए मंगवाना पड़ता है। ज़्यादातर लोग पीने के लिए पानी टैंकरों से मंगवाते हैं। टैंकर का पानी 300 से 400 तक का आता है, जो केवल 3 दिन तक ही चलता है। यह पानी तालाबों व ट्यूबवेल से लाया जाता है, जिसमें कई प्रकार के जीवाणु व कीटाणु हो सकते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पानी पैसे लागे टैंकर 300 से 400, इतने दूर पानी आवे। इस तरह हजारों रुपए केवल पानी पर ही खर्च हो रहे हैं, इसके बावजूद भी लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। जहाँ अशुद्ध जल की समस्या का मुख्य कारण मारवाड़ की वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं, वही हमारी आदतें भी इसके लिए कई हद तक जिम्मेदार है। जैसे पानी का रखरखाव न रखना, पानी की व्यर्थ बर्बादी करना, जैसी कई अनेक आदतें हैं जो इस संकट को और भी अधिक बढ़ावा दे रही है। अरे रुको काकी सा, ओ आप कई कर रहे हो? तलाव और ठंडो पानी पाऊं। अरे काकी सा, इतरो गंदो पानी। और पानी सिया पे गंदो नहीं है। आप रा हाथ भी तो गंदा है, और आप इन्हीं हाथ में बच्चा ने पानी पिला रहे हो। आप रे घर सदस्यों ने गंभीर बीमारी लाग सके। मन बताओ तो करी केड़ो पाऊं तो। मटकी में पानी डालन रे बाद में मटकी ने ढकने रखनो चीजे, और मटकी से पानी लेवन रे वास्ते डंडीदार लोटा रो प्रयोग करनो चीजे। आप हमारी बात बताइए, हम ये इस कारण में जानी अनजानी हम लोग पानी की कीमत को नहीं समझते और उसे गंदा कर देते हैं। हमें यह भी याद नहीं रहता कि इस तरह पानी को गंदा करने से क्या परिणाम होगा। गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजे, फल खाए ताजा, सासों ने का दरवाजा, उसमें कौन बैठा, वो मेरा राजा। गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजे, फल खाए ताजा, सासों ने दिव्या नीचे पड़ गई। पेशेंट को यहाँ सोलाएं, देखते हैं। तो लग रही है बेटा? कितनी बार जाते हो दिन में? तीन चार बार। अच्छा, पेशाब कैसे रंग का आता है, सफेद या पीला? पीला। पीला आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ माता जी, इनके लीवर में हल्की सूजन है और इन्हें पेचिश का रोग हुआ है। माता जी आप पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? तालाब से। कौन से तालाब से? जिसमें पशु वगैरह सभी नहाते हैं उसमें से आप पानी लाते हैं? हाँ, उसे आप सफाई का उसका कैसे ध्यान रखते हैं? ध्यान दे ही पीते हम तो, छान के गन्ना। छानने से पानी साफ हो जाता है? साफ। उसके पानी के अंदर छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो आँखों से नज़र नहीं आते हैं, उसकी वजह से पीलिया हो सकता है। जैसे आपके बच्चे को पेचिश हो गया है, दस्ते हो सकती हैं, और 10 तरह की बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस वगैरह, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हम बताओ, पानी को हमेशा छान करके उबाल करके काम में लेना चाहिए, और पानी के जो बर्तन हैं उन्हें ढककर रखना है, उनमें से पानी निकालते वक्त डंडीदार लोटे का प्रयोग करें। इससे आपके गंदे हाथ पानी को दूषित नहीं कर पाए। इसके अलावा शौच के लिए और पीने के पानी के लिए अलग अलग लोटों का इस्तेमाल अत्यंत आवश्यक है, और पानी की सफाई के लिए हम थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि क्लोरीन की टैबलेट्स 1 किलो पानी में 1 टैबलेट सफिशियंट है, वो डाल लें, या मटकी में भी 3-4 टैबलेट डाल करके पानी को साफ़ किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पचपतरा गांव में आरओ प्लांट लगा हुआ है, जो पानी बहुत स्वच्छ है, शुद्ध है, उसमें किसी तरह के कोई बैक्टीरिया नहीं है।
कीटाणु नहीं है, जीवाणु नहीं है। इसके अलावा आप आपके गांव में ममता नाम से कोई लेडी हैं जिनके बच्चे के साथ इसी तरह की समस्याएं चल रही थी, आजकल वो आरओ प्लांट से पानी ला करके पी रही हैं, उन्हें अब इस तरह की कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो आरओ प्लांट से पानी लेकर आ सकते हैं, पानी बिल्कुल सस्ता है, कोई महंगा नहीं पड़ेगा आपके, इजीली आप काम में ले सकते हैं। ये मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूँ जो आप अपने बच्चे को टाइम से देते रहना, ये बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके आगे आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको सब समझाया है। सर ध्यान रखेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ममता अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है और वह आरओ प्लांट का शुद्ध पानी ही प्रयोग में लेती है। तो आइए जानते हैं ममता की कहानी। पचपदरा गांव में रहने वाली ममता का परिवार दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं। आए दिन होने वाली बीमारियों के कारण इस परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब होती गई। बहुत मुश्किल से अपने जीवन को चलाने वाला यह परिवार दवाइयों पर होने वाले खर्च से काफी परेशान था। ये समस्या केवल इसी परिवार की नहीं बल्कि गाँव के अधिकांश लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। हेजा, पैचिस, दस्त, पीलिया जैसी अशुद्ध पानी पीने के कारण होने वाली बीमारियों से पूरा गांव बुरी तरह से प्रभावित था। अशुद्ध पेयजल समस्या इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी। जलसभा की पहल से इस गांव में आरओ प्लांट के जरिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। 15 पैसे प्रति लीटर की दर पर शुद्ध पानी जलसभा उपलब्ध कराता है। प्रारंभ में गांव के लोगों ने पीने के पानी के लिए पैसे खर्च करना व्यर्थ समझा, पर ममता ने शुद्ध पेयजल के महत्व को समझा और आरओ प्लांट जाकर वहाँ से रोज पानी पीने के लिए लाने लगी। डॉक्टर ना दे दियो के तलावर पानी नहीं पीणो, तो वो पानी पियो में कीटाणु है नहीं, मशीना में जोड़ो कीटाणु है नहीं, तलावर पानी में कीटाणु बना जाए पाई बचत रहेगी एंड बीमारी खत्म रहेगी। लगातार आरओ प्लांट के पानी को प्रयोग में लाने से अशुद्ध पानी पीने से होने वाले रोगों से इस परिवार को छुटकारा मिला। थोड़ा घना पाई बचे है नहीं, पहले तो जड़ा कमाओ था जड़ जाओ था सब पानी पीता, कभी शहर जाता और कभी कीन कभी कीन जो पाई रहता नहीं, मैं वो पानी पियो बचत रह पाया नहीं, पाई बचाव रहे सब को नहीं जाओ नहीं। ममता की पहल से आज उसका परिवार स्वस्थ है और पूरा गांव ममता की इस पहल का अनुसरण कर शुद्ध पेयजल के लिए आरओ प्लांट का पानी पी रहे हैं। साफ दिखने वाले पानी में भी तरह तरह के कीटाणु जीवाणु हानिकारक खनिज तत्व हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। मारवाड़ क्षेत्र के पचपदरा गांव में जलसभा के सहयोग से एक आरओ प्लांट का निर्माण किया गया है, जिसका मुख्य कार्य जल में होने वाले हानिकारक तत्वों व खारेपन को दूर करके उसे शुद्ध करना है। यह प्लांट कैसे कार्य करता है, आइए जानते हैं इस प्लांट के संचालक ललित से। आरओ प्लांट गाँव में हिसाब करें कि मशीन है पानी खींच वाली इन रॉ वाटर पंप बोलिया करें, बाद में यह मशीन जो है इन फिल्टर में पानी भेजिया करें। इन फिल्टर का नाम है सैंड फिल्टर, इनमें धूल मिट्टी जो पानी के अंदर ज़्यादा है वह एकदम साफ हो जाया करें। फिर बाद में कार्बन फिल्टर, कार्बन फिल्टर दी जो पानी में कार्बन भरियो कार्बनिक पदार्थ है वे मतलब सही रूप को छट जाया करें। फिर बाद में आवे कॉल्टेज फिल्टर, ये कॉल्टेज फिल्टर है इनमें धागरी एक मोटी सी डोररी गट्टी टाइप की लागूड़ी है, वह गट्टी जो है पानी रो रंग साफ करे, जो मटवेला पानी है या खराब पानी है काला पानी है तो वह गंदा पानी ने वापस मतलब वो फिल्टर साफ करिए करे। इन बाद में वो है हाई प्रेशर पंप, वो जो है कॉल्टेज फिल्टर पानी ले 14 केजी प्रेशर पानी जो है मेम्ब्रेंस में भेजिया करे और मेम्ब्रेंस में खारो पानी और मीठो पानी दो ही अलग अलग भेजा है। फिर बाद में खारो पानी जो है वो बाहर भेज दियो और मीठो पानी जो है वो इन पाइप में साउंड टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। जलसभा द्वारा संचालित पचपदरा गांव के आरओ प्लांट प्रोजेक्ट यानी पनिहारिन परियोजना गांव में रहने वाले लोगों के लिए शुद्ध पेयजल के संकट को दूर करने में काफी हद तक सफल रहा है। आरओ प्लांट लागू पचपदरा गांव में मन फायदो है, बहुत फायदो, बीमारी बीजी नहीं वे सेंटी नहीं करे गड़ा रहे है घर काम हो बढ़िया है पानी मैटू मटकी लई ना पानी रो शुद्ध पानी मिले मने पीवाने उन मार बीमारियों कम भी बच्चों पेट दुखता वे कम वे गया बीमारी कम भी ने मीठो पानी लेगवाने मिले 3 रुपया में मटकी रा दो। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्लांट खुद गांव के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है।
इस प्रोजेक्ट को कारगर रूप से चलाने के लिए स्वयं सहायता समूह यानी SHG का गठन किया गया। इस समूह का संचालन भी ग्रामीण महिलाएं ही करती है। RO प्लांट का शुद्ध पानी सस्ती कीमत पर बेचने के लिए अतिरिक्त विक्रय केंद्र खोले गए हैं और यह विक्रय केंद्र स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों को ही दिया जाता है। ऐसे में RO प्लांट न केवल इस गांव के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराता है अपितु रोजगार भी मुहैया कराता है। आमतौर पर लोगों के बीच में यह गलतफहमी होती है कि जो पानी साफ दिखता है वह शुद्ध होता है, मगर यह सच नहीं है। अरे भाई साहब रुको रुको, वो आप कहीं कर रहे हो? क्यों भाई, कई बात है, ठंडो पानी पीऊं भाई। आपने ध्यान है वो पानी पीऊं वहाँ बीमार भी हो सको? क्यों भाई, इन पानी में कई खराबी हो तो बिल्कुल साफ है। अरे भाई साहब जरूरी थोड़ी जिको पानी साफ दिखे वो शुद्ध होवे। अबे थई बता शुद्ध पानी वास्ते मैं कई करूं? भाई साहब पानी पीऊं पहली हाथ अच्छी तरह साबुन को साफ धोना चाहिए और पानी रो बर्तन ने साफ रखो। पानी रे मायने क्लोरीन री टिकिया या फिटकरी डालने पानी ने साफ करो। जल भागीरथी फाउंडेशन पिछले 7 वर्षों से मारवाड़ में वर्षा जल संरक्षण के लिए कार्यरत है। हमने तालाब टांके नाडी इस तरह के संरचनाओं का जल सभाओं के साथ मिलकर पुनः प्रचलित किया है। अब हम आगे का जो काम कर रहे हैं उसमें हम स्वच्छ पानी और स्वच्छ पानी की आवश्यकता पर काम कर रहे हैं। तालाबों में जो पानी उपलब्ध होता है वो मीठा पानी है पर वो स्वच्छ नहीं है। मीठा पानी और स्वच्छ पानी में अंतर होता है। इसी तरह खारा पानी को भी स्वच्छ और शुद्ध करने की प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। जल भागीरथी फाउंडेशन ने अब स्वच्छ पानी पर कार्य करना शुरू किया है। आपने फिल्म में देखा कि साफ पानी पीने से आपके स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा असर होता है। अगर आप लोग अपने गाँव में स्वच्छ पानी पीना चाहते हैं तो जल भागीरथी फाउंडेशन से संपर्क। हमारा पता है जल संस्थान जल भागीरथी फाउंडेशन कायलाना झील के पास बिजुलई जोधपुर। दूरभाष नंबर 9828112994।